यह लाछा कोई साधारण लुगाई नहीं, आ लाछा भी शक्ति को उतारी और पूर्व जन्म में तेजा ने मार नहीं सकी। पहले का जन्म में तेजा जी महाराज गुजरा के घरे जन्म लिया, 24 बगड़ा होता के मैंने सबसे बड़ो भाई बने जन्म लिया। बीटे में रानी जेमती का रूप में, जेवंती का रूप में यह जन्म ली। 23 बगड़ा उत खप गया लेकिन तेजो रण छोड़ भाग गयो। शक्ति बोली मारा वचन तो पूरा कर सू, तेने मरनो तो पड़ेला। दूसरा जन्म में वही तेजो जाट के घरे जन्म लियो और वह शक्ति लाछा गुजरे का रूप में जन्म लियो। अपना वचना में बांध लिया, बोले तेजो जी महाराज आपने गाय लेने वास्ते जानो पड़ेगा। अब कोई आपने घरे मेहमान आओ ही ना, आप यहाँ लड़वा थोड़ी भेजा, लेकिन वचना में बांध लिया। और तेजा जी महाराज भी सतका बंदोड़ा पल में हाँ कर दी, वाला अच्छा चिंता मत कर, एक एक गई ले रहा सी गाय रे वास्ते बाड़ में चढ़े। आज सूर्य बहुत राजी वे रहे, आज आप जीवन सफल वे जाए, कृपा गौ माता ने छुड़ा ले आए। मार्ग मैंने वही शक्ति के काली और नाग को रूप बनाई, आग में जलने को नाटक करियो। तेजा जी महाराज भूगया, तेजा जी महाराज ने वो नाग अग्नि में जलते दिखे। तेजा जी महाराज की ममता जाग पड़ी, एक आत्मा जल रही है और मैं नहीं बचाऊं वो फर्ज नहीं है। भाले के नहीं उबारे कर दिया, जद लिखा करे के भली करे जित बुरी बने, या कलजुग की रीत बाढ़ खेत ने खाई जा जो नुगरा की प्रीत। नाग देवता खड़ा वे गया, बोले सूरा ओ काम क्यों करियो, आज मारी 84 छूट जाती, मोक्ष हो जाती, मने क्यों बचायो। तेजा जी बोले मु तो आछो ही काम करियो, मने कहीं ध्यान के थे दूसरा चक्र में लाग रहे हो। बोले तेरे डसू ला क्यों। इतनी बात सुनते हैं तेजा जी महाराज बोलिया कोई बात नहीं, आप डस लो लेकिन मैं दूसरा बचना में बंदेड़ो हूं। इटे में गौ माता री रक्षा रे वास्ते में जा रही हूं और मैं अपने वचन देव के तीजे दिन प्रभात में आपकी बांबी पर आसियो और आप मैंने डस लीजिए, अपना वचन पूरा कर जो। सजना 3 दिन बाद में अगर तेजा जी चाहता तो न जाता हूं बांबी पर, लेकिन वचन दियोड़ा खाली नहीं जाओ, यही जाट की पहचान है। तीजे दिन प्रभात में बांबी पर गया और काई नाग देवता और तेजा जी महाराज के बाता हो रही है। हरि टपी टपा टप खून झरे, तेजो नाग से बात करे। खून झरे
के भाटी भाटी बटे ऊंट चराया कर तो गाय चराया कर तो आखिरी समय में तेजो जी महाराज आवाज लगाइए मेरा थोड़ो गठी ने भाटी आयो तेजा जी महाराज बोले हमारो बोलियो है हमारी पागड़ी है हमारी पेमल ने जार दे दीजिए और बोल दीजो थारो पति आज स्वर्ग में चले गयो आज अमर वे गयो काई के वो देखो हरि मत रोवे लीलन प्यारी बात घरा कीजे सारी बने ढसलो आप पूरा शरीर पर घाव खूना की लाल चुनड़ी ओढ़ रखी नाग देवता बोले रे तेजा जा थने माफ कर तू पहली अदमरियो थने काई मारू नाग देवता ने तेजा जी महाराज हाथ जोड़ बोले हे नाग देव अगर आप मने ने ढसया तो मारे जाति पर दाग लाग जासी मारे सत्य पर दाग लाग जासी कि एक वचनो एक सूरो बचना वो फिर गयो आप मने डस बोले कुणसी जी के तीन चीजें अछूती है एक मारे हाथा की हथेड़ी पगारी पगतली और मारे मुंडा की जीव आप रे जटे जचे मन आप डस काई तेजो जी महाराज का भला पर नाग ऊपर चढ़े और काई डस ले वे हरि सर 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 कालो आयो भला पर तेज लपटायो वचन पालना देख और नाग की भी आत्मा पसीज की साफ बोले हे सुरा ई कलयुग में थारे जान को सत्यवादी ने तो हुई और न कोई वेला जा थाने वरदान देऊं कि आज के बाद थारे कोई भगत ने मारा वंश को काली नाग डस लेवे तो थारे नाम की ताती बांधता ही वो नीका वेला और आज भी महाराज अगर कोई ने काली नाग डस लेवे और साचा मनु तेजो जी महाराज ने याद करवा के नाम की ताती बांध ले वो भगत आज भी सोरो हुआ गया मैं तो भुगत भोगी हूं मन तो खायड़ो है नाग मने तो डसेड़ो है इन वास्ते मने तो अच्छी तरह ध्यान है कि तेजा जी महाराज मारी रक्षा करी और आज राजस्थान में शायद जितना भजन तेजा जी का कोई न गयो भी ज्यादा मैं गयो हजारों भजन गए तेजो जी महाराज को खूब आनंद प्यार मिला है क्योंकि विश्वास इतना मजबूत हो गया कि काड़ो नाक खाया बाद में अगर मैंने जिंदो राख लिया तेजा जी महाराज शायद ऐसा देवता नहीं मिलेगा तो नाग देवता कहने लग गया तेजो जी महाराज हरि महाराज वंश को जो कावे नाम लिया